हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम सोम सोम दैया। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन द रूरल फाइट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन कोर्स की 14th डे है। सो 13th डे में हमने सीखा था टीचर्स कमांड के कुछ सेंटेंसेस। तो टीचर्स कमांड अभी थर्ड लेक्चर रहेगा। फर्स्ट टू लेक्चर्स टीचर्स कमांड के आ चुके हैं कि बच्चों को एक टीचर इंग्लिश में कैसे कमांड करे, कैसे उनसे बात करे, उसी की सीरीज चल रही है। तो उसी में आज थर्ड सीरीज है और थर्ड सीरीज में पूरे ऑलमोस्ट सेंटेंसेस हम एंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस है, आपको क्या परेशानी है। सो आपको क्या परेशानी है को हम कह सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम एक नॉर्मल सेंटेंसेस है। और थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाना चाह रहे हो आप और इम्प्रेसिव वे में आप बोलना चाह रहे हो तो कह सकते हो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ठीक है, ऑफिस में पूछ कर आए, कम इनटू द ऑफिस विद परमिशन, कम इनटू द ऑफिस विद परमिशन। क्या किसी बच्चे को पेन मिला है, हैज़ एनीवन फाउंड ए पेन, हैज़ एनीवन फाउंड ए पेन। क्या किसी का पेन खोया है, Is there anyone who has lost this pen? Is there anyone who has lost his pen? So let's have a look at the next sentence. यह पेन किसका है? Whose pen is this? Whose pen is this? कुर्सी कक्षा में रखें, Put the chair in classroom. Put the chair in classroom. तीसरी कक्षा प्रार्थना स्थल पर परीक्षा के लिए आए, सो क्लास थर्ड कम टू प्रेयर ग्राउंड फॉर टेस्ट, क्लास थर्ड कम टू प्रेयर ग्राउंड फॉर टेस्ट। सी डब्ल्यू पुस्तक में करवाया, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सेंटेंस और दिस इज नॉट सो इजी सेंटेंस। ये इजी नहीं रहता हर किसी के लिए। सो इस तरह के सेंटेंसेस को थोड़ा सा सेंसिबली हमें देखना पड़ता है कि सी डब्ल्यू क्लास में करवाया, सी डब्ल्यू इज हेयर क्लास वर्क पुस्तक में करवाया। तो सी डब्ल्यू वॉज डन इन बुक। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। पुस्तक में पेज नंबर 68 करके आए, जैसे किसी को कोई काम दे कहते हैं ना 31 पेज पे जो काम है वो पूरा करके आए। सो डू पेज नंबर 68 इन बुक, डू पेज नंबर 68 इन बुक। नाक में उंगली मत डालें, छोटे छोटे बच्चों की गंदी गंदी हैबिट होती है तो उनको हम कहते हैं डोंट पुट फिंगर इन द नोज। डस्टर को बाहर झाड़ कर आओ, डस्ट इट आउटसाइड। और इसे इस तरह से भी कह सकते हैं डस्ट आउटसाइड। सभी गलतियां ठीक करें, करेक्ट ऑल द मिस्टेक्स। सभी गलतियों को शुद्ध करके लिखो, रीराइट ऑल द मिस्टेक्स करेक्टली। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो अपना सीडब्ल्यू पूरा कर लें, द स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट यस्टरडे कंप्लीट दियर क्लास वर्क। आपने अपना काम क्यों नहीं किया, वाई डिड नॉट यू डू योर वर्क। घर से किताब पढ़कर आनी है, कम टू स्कूल आफ्टर रीडिंग द बुक। SW डायरी लिखने के बाद कोई बच्चा खाली नहीं बैठेगा, सो नो स्टूडेंट्स विल सिट आइडल आफ्टर राइटिंग होमवर्क डायरी। किस किस ने घर पर किताब पढ़ी थी, हु रेड द बुक एट होम। सो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा ये रीड की तीनों ही फॉर्म सेम होती हैं दिखने में, लेकिन बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, रेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सो हु रेड द बुक एट होम। आज हिंदी पुस्तक में पेज नंबर 15 करके आना है, डू पेज नंबर 15 इन हिंदी बुक। रफ कॉपी में लिखो, राइट इन रफ नोटबुक। इन उत्तरों को पुस्तक में लिखो, राइट दिस आंसर इन द बुक। सी डब्ल्यू को घर से फेयर नोटबुक में करके आना है,
डू सी डब्ल्यू इन फेयर नोटबुक फॉर होम. आज गृह कार्य नहीं किया. होमवर्क वॉज नॉट डन टूडे. जिन्होंने कक्षा का कार्य नहीं किया खड़े हो जाओ. स्टैंड अप हु हैव नॉट डन द क्लास वर्क. स्टैंड अप हु हैव नॉट डन द क्लास वर्क. दफ्तर में आओ. कम टू ऑफिस. उत्तर सुनाओ. आंसर द क्वेश्चंस. आंसर द क्वेश्चंस. क्या मैं जाऊं? मे गो. मे गो. और और यदि आप इसका रिप्लाई करना चाहते हो, हाँ श्रीमान जी, यस सर. पार्ट नंबर 5 याद करो. लर्न लेसन नंबर 5. अपना काम करो. डू योर वर्क. और इसे यदि आप कहना चाह रहे हो कि अपना काम स्वयं करो. डू योर वर्क योर सेल्फ. डू योर वर्क योर सेल्फ. लाइनों में लिखो. राइट इन प्रॉपर लाइन्स. राइट इन प्रॉपर लाइन्स. सुलेख में सुधार करो. इम्प्रूव इन योर हैंड राइटिंग. इम्प्रूव इन योर हैंड राइटिंग. फीस पहुँचा दे. प्लीज डिपॉजिट योर फीस. और प्लीज डिपॉजिट योर ड्यूज. ड्यूज भी कह सकते हो और फीस भी कह सकते हो. ड्यूज का मीन्स है यहाँ पे बाकी जो आपकी राशि रहती है वो पहुँचा दें. बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजें. प्लीज सेंड योर चाइल्ड रेगुलरली. प्लीज सेंड योर चाइल्ड रेगुलरली. आज अंग्रेजी की कॉपी नहीं लाया. He did not bring English notebook today. He or she you can use according to the gender. So गणित का टेस्ट दिया है, कृपया हस्ताक्षर करके पेपर लौटा दें. Please return the maths paper. Please return the maths paper with sign. कृपया अपनी फीस 7 अगस्त तक जमा करवा दें. Please deposit your dues till 7th August. पुस्तक बैग में रखो. पुट योर बुक इन द बैग. नोटबुक में निकाली गई गलतियां 2 बार लिखकर आनी है. द मिस्टेक्स विच हैव बीन सर्कल्ड शुड बी रिटन 2 टाइम्स. जैसे निकालने गलतियां निकालने का मीन्स है, यहाँ पे जैसे कॉपी चेक करते हैं तो गलतियां निकाल करके उनको अंडरलाइन कर देते हैं या फिर उनको सर्कल कर देते हैं, तो उस सेंस में कह रहे हैं द मिस्टेक्स विच हैव बीन सर्कल्ड शुड बी रिटन 2 टाइम्स. अगला बच्चा पुस्तक पढ़े. नेक्स्ट प्लीज. और नेक्स्ट स्टूडेंट्स रीड द बुक. अगला विद्यार्थी कॉपी चेक करवाने आए. नेक्स्ट स्टूडेंट्स कम टू शो हिज नोटबुक. एक एक करके बोलें. स्पीक वन बाय वन. स्पीक वन बाय वन. कॉपी चेक करवाते समय 3 से अधिक बच्चे टेबल के पास खड़े ना हों. Not more than 3 students should stand near the table while getting the notebook checked. Not more than 3 students should stand near the table while getting the notebook checked. So, ये थे दोस्तों कुछ sentences that was regarding the teacher's command. Teacher's command से related कुछ sentences थे. ये बच्चे और teachers दोनों के लिए helpful रहेंगे. और आगे 15th video में हम कुछ और important आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो देखना ना भूले हमारे 15th video. सो चलिए एक बार फिर से आप से मिलते हैं नई वीडियो में. तब तक का बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग. थैंक यू.